concerns cyber ethics, and topic is open source license. Whenever we install any open source software, maybe Android or any other software, we will have to accept license. Even whenever we install Microsoft, so we will have to make one agreement with the company. तो हमें लाइसेंस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसमें पेमेंट्स के रिगार्डिंग इश्यू होते हैं. बट इन ओपन सोर्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसेंस आर देयर. सो वी विल डिस्कस दीस टाइप ऑफ लाइसेंसेस. लुक एट हियर, so these are license are with the agreement for proper use of open source software. So iske kuch hamare paas benefits hain. It is easy for others to contribute to a project without taking any special permission. Ek bar aapne permission pe sign kar diya, okay kar diya, it means after that you will make any changes to aapko koi rokega nahi. Theek hai, so this is ye jo aapke paas jab bhi aap whenever you install any software you will have to accept the license, theek hai, whether proprietary whether open source. But whenever we are accepting any open source license, it means it is easy for others to contribute to the project without any permission. Next is, it protect you as a original creator. So whenever you accept the license, उसके बाद अगर आप कोई भी चेंजेस करते हो तो आपके कंट्रीब्यूशन को ये नहीं कह सकते कि ये आपका कंट्रीब्यूशन है. कल को अगर आपने कुछ डेवलप करते हो तो आप अपना नेम यूज कर सकते हो वहां पे, ठीक है. चाहे आप उसको कमर्शियल नहीं कर सकते, बट एज ए क्रिएटर यू कैन यूज योर नेम. नेक्स्ट इज, इट इंश्योर दैट क्रिएटर गेट्स सम क्रेडिट फॉर हिज वर्क. तो जब भी आपने कुछ बनाया सॉफ्टवेयर, यू मेड एनी चेंजेस, आफ्टर मेड चेंजेस योर नेम विल बी देयर, ठीक है, एज ए डेवलपर. नेक्स्ट इज, इट आल्सो एंश्योर दैट डू नॉट क्लेम द वर्क ऑफ ओरिजिनल क्रिएटर. कल को ये नहीं कोई कह सकता कि आपके वर्क के ऊपर उसका राइट है, कि ये उसका वर्क है, ठीक है, आपने क्रिएट किया, यू एक्सेप्ट द लाइसेंस. अगर आप बिना लाइसेंस के, बिना एक्सेप्टिंग लाइसेंस, इफ यू आर डूइंग दीज चेंजेस, देन यू कांट क्लेम दैट यू आर द ओरिजिनल क्रिएटर. नाउ इन माइक्रोसॉफ्ट देयर इज वन टाइप ऑफ लाइसेंस, proprietary software का. But whenever we are using open source, there are different types of licenses. First is GNU, GPL, General Public License. GPL stand for General Public License, and GNU I have already discussed. This is a GNU, not a Unix. This is a type of software that is similar to the Unix software, but they are not Unix. ठीक है, तो ये open source softwares हैं. तो GPL या एंड्रॉइड में जब इंस्टॉल करोगे इन योर मोबाइल, देयर इज अ GNU लाइसेंस. आप एक बार चेक करना सेटिंग्स में जाके. तो मोस्ट कॉमन यूज लाइसेंस गारंटीज वाइड रेंज ऑफ राइट्स टू डेवलपर. तो ये फुल गिव फुल राइट्स टू द डेवलपर. GPL यूजर कैन कॉपी द सॉफ्टवेयर. तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर को कॉपी कर सकते हो, कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हो. सबसे ज्यादा फ्री सॉफ्टवेयर GPL आपके पास. नेक्स्ट इज, कैन कंट्रीब्यूट टू द सॉफ्टवेयर. आपने को सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस करनी है तो वो भी कर सकते हो. इट मींस यू कैन यूज इट, यू कैन आल्सो मॉडिफाई इट, दोनों राइट आपके पास. नेक्स्ट इज, कैन चार्ज ए फी टू डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर. सपोज आई मॉडिफाइड द सॉफ्टवेयर, आफ्टर दैट आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, बट आई कैन गेट नॉमिनल चार्जेस. फॉर एग्जांपल, कोई मैंने कोई स्पीड पोस्ट से सीडी किसी को भेजी है, तो आई कैन मेक नॉमिनल चार्जेस. मेरी एक टीम है, टीम के लिए मैं कुछ चार्जेस या ऑफिस के कुछ चार्जेस मैं लेना चाहता हूँ, तो मैं आई कैन टेक सम मनी, ठीक है. सो वी कैन से दीस सॉफ्टवेयर, दीस लाइसेंस गिव अस परमिशन टू मेक सम प्रोविजन फॉर सम चार्जेस, ठीक है. तो बिकॉज दिस इज नॉट अ फ्री वेयर, दिस इज ओपन सोर्स. Next is GNU lesser GPL, another type of license. But here
राइट्स आर लिटिल बिट रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, एज कंपेयर विद जीपीएल, प्रोवाइड लेसर राइट देन स्टैंडर्ड जीपीएल लाइसेंस. व्हिच मींस आपके पेपर में जो आपके पास, क्योंकि अगर आपका एमसीक्यूज पेपर होगा तो नीचे उसके फीचर्स लिखे होंगे और आपको पूछा होगा इसमें से जीएनयू के कौन से फीचर्स हैं, ठीक है, तो यू रिमेंबर दीज फीचर्स. प्रोवाइड लेसर राइट्स देन स्टैंडर्ड जीपीएल लाइसेंस. सेकेंड इज यूज टू लाइसेंस फी सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर, सो दैट इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड टू प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर. तो बेटा इसमें देयर इज नो एनी चार्जेस, बट इन जीपीएल वी कैन चार्ज द मनी, बट इन दिस वी कांट चार्ज मनी. अगर किसी ने ये वाला लाइसेंस एक्सेप्ट किया हुआ है आफ्टर मॉडिफिकेशन, वी कांट चार्ज एनी मनी. नेक्स्ट इज इन लेसर जीपीएल द रिक्वायरमेंट दैट यू हैव टू रिलीज सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन इन ओपन सोर्स हैज बीन रिमूव्ड. तो फ्यूचर में कोई भी आपके पास एक बार चेंजेस कर ली तो फ्यूचर में फर्दर और कोई चेंजेस नहीं करोगे आप, ठीक है. तो अगर आपने करनी है तो न्यू सॉफ्टवेयर विल बी देयर. नेक्स्ट इज थर्ड टाइप ऑफ, इट मींस डिफरेंट बिटवीन जीपीएल एंड लेसर जीपीएल इज दैट इन जीपीएल वी कैन चार्ज मनी फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर न्यू प्रोडक्ट, बट इन द केस ऑफ लेसर जीपीएल वी कांट चार्ज मनी. नेक्स्ट इज बीएसटी लाइसेंस. It is a family of permission free software. इसमें भी lot of facilities are there. बहुत सी permission है क्योंकि पर ये software free software है. As जैसे हमारे पास कौन से थे lesser GPL, ऐसे this is a free software. There are some restrictions on distribution softwares. There are some restrictions, not a full restrictions. There are two type of BSD license. One is new BSD. और इसे मॉडिफाइड बीएसडी लाइसेंस भी कहते हैं. हियर रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ इन द बाइनरी फॉर्म. बेटा बी स्टैंड फॉर बाइनरी फॉर्मेट. बाइनरी मींस वी कैन गिव इन ए मशीन लैंग्वेज फाइल, ठीक है. तो रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज इन बाइनरी फॉर्मेट विद और विदाउट मॉडिफिकेशन आर परमिटेड प्रोवाइडेड दैट द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट. तो उसमें से कुछ कंडीशंस ये हैं. Redistribution of source codes must retain the above copyright notice, the list of contents and disclaimers. बेटा ये आप अगर redistribute करते हो, इस source code में, उसके source code में आपके पास एक copyright का notice भी होना चाहिए कि ये जो आपके पास लाइसेंस है ये इस पर्सन के लाइसेंस इस पर्सन के पास है, ठीक है. इसका मतलब आप जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे उस पर्सन का नेम भी वहां पे होना चाहिए, ठीक है. पहले में नहीं था, पहले में आपने डेवलप कर दिया, यू रीडिस्ट्रीब्यूटेड, बट हियर यू विल हैव टू मेंशन द प्रीवियस पर्सन जिसका आपने सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई किया, क्लियर. देयर मस्ट बी डिस्क्लेमर, मींस यू आर सेइंग कि दिस इज ए वर्क ऑफ दिस पर्सन, I have modified now and कई बार आप कहते हैं ना now there is no my responsibility disclaimer, ठीक है. कई बार आपने देखा होगा किसी product में लिखा होता है, किसी movie में disclaimer कि in case it is similar to the any real story, so we can't, we are not responsible for that. This is a coincident like this. Next is redistribution in binary format must reproduce the copyright notice, the list of conditions. If you are giving the source code, means machine level, the high level language, but even if you are giving the binary code, machine code to others, even then that contain the notice of a previous copyright holder. Uska name hona chahiye wahan pe. Third is neither the name of copyright holder nor the name of a contributor may be used to endorse or promote product right from this software without specific prior written permission. In case अगर आपके पास copyright के कोई name नहीं है, in that case you can distribute it without name. But if you know the name of the original copyright holder, then you will have to specify the name. Next is second type of BSD software is simplified BSD software. This is also called free BSD license.
in this type of license does not take an into consideration non-endorsement clause. So here we are not supposed to disclose the name of original copyright holder. The modified, distributed. So it means BST or the previous BST is a restricted, but this BST license is a free. Now next one is MIT license. This is the shortest and broadest of all license. So इसमें number of conditions are very less, but ये सबसे ज्यादा जो use होता है ये broadcast of all license, ये सबसे ज्यादा जो license use होता है वो MIT license है. Terms are very very loose and permissive. Can be easily copied and modified. No one can prevent you from using it or copy it. You can sell the software fairly. So you can make the money. We can charge the money. Okay. Next is there is no restriction on this distribution. There is the only restriction it involves is that it accomplished by license agreement. तो लाइसेंस को आपने एग्री करना है ना, देयर इज नो अदर रिस्ट्रिक्शन. ठीक है, उसके बिना यूज नहीं करना. अगर आपने इसको यूज कर रहे इट इज फ्रीली यू कैन फ्रीली यूज इट, यू कैन मॉडिफाई इट, यू कैन चार्ज मनी. इट मींस एवरी टाइप ऑफ राइट्स यू हैव. यस राघव सर, हमको कैसे पता लगता है कि हमारे पास कौन सा लाइसेंस है? व्हेनेवर वी इंस्टॉल्ड द सॉफ्टवेयर when you make any agreement, you accept that license. वहाँ पे लिखा होता है name, वहाँ पे conditions भी होती हैं. Is it clear? Bhumika? Sir, मतलब अलग अलग फोन में अलग अलग तरह के license होते हैं. बेटा same होते हैं. This depend on the company, okay? So the company will decide which type of license that company will give to the users. Next is Apache license. This license grant the number of rights to the user. It offers right. There are better some different rights are there. Perpetual, worldwide, grant for no fee. Royalty, no exclusive, no बेटा ये इसमें आपके पास है कि ये इस सॉफ्टवेयर में otherwise royalty का मतलब ये होता है कि suppose I invented something, I give the right to another person for production, I will charge some money from him. ठीक है, वो आपके पास जो बनी होती है उसे हम कहते हैं royalty. Royalty means charges for your invention. ठीक है, कोई ये पेटेंट भी हो सकता है. तो इस लाइसेंस के अंडर अगर आपके पास कोई भी अगर सॉफ्टवेयर आ रहा है, चाहे उसके ऊपर पेटेंट है, चाहे उसके ऊपर कुछ भी है, कॉपीराइटेड है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. कोई चार्जेस नहीं होंगे. वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी किसी भी कंट्री में यूज कर सकते हैं. ठीक है, आपके पास इट गिव ऑल द टाइप ऑफ राइट्स. नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन. दिस इज टोटल 5 योर लाइसेंस. नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन. In this starting of your chapter, I discussed the open source softwares. There is a one thinking, freedom of information. Freedom of information means we are getting the information from the society, and after producing something, I can't charge the money from the society. मैं उसको restricted नहीं कर सकता. For example, मैंने एक software बनाया. मैंने उस software को बनाने के लिए जो programming language है, वो कहाँ से सीखी? Society से. After learning the language, I develop something. After that, how I can protect that? This is my property. So that's why it is called freedom of information. Freedom of information refers to the right to access information available on public platform. So in public platform means internet. So in internet, information is there. You have a right to access that information. It means if I download the coding of any software, nobody can restrict me to don't use this. ठीक है, मुझे कोई रोक नहीं सकता कि आप इसको नहीं यूज कर सकते, क्योंकि freedom of information is there. It was established for purpose of transparency, government accountability, education, and general public protection against
मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन। तो ये हमारे पास फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन हमें बहुत सी यू कैन से देयर आर फीचर्स जो अवेलेबल होते हैं ड्यू टू द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन करप्शन। देयर इज वन इन इंडिया इफ यू हैव एनी डाउट इन रिगार्डिंग एनी पब्लिक टेंडर, सपोज एक रोड बनी है उसके ऊपर किस टेंडर के ऊपर आप गवर्नमेंट को एक नोटिस दे सकते हो, ठीक है। उस नोटिस में आप पूछ सकते हो कि इस रोड के लिए आपने कितने चार्जेस, कितने का टेंडर था, जो मटेरियल यूज किया है उसकी स्पेसिफिकेशन कौन सी है। तो इट मीन इट प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन इन इंडिया देयर इज वन एक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन, दैट एक्ट इज ड्यू टू द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। इट मीन्स इफ यू हैव एनी ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग एनी गवर्नमेंट इश्यू तो यू कैन यूज फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन and this is called which one? Yes, in abhi maine kaun sa word use kiya tha, kaun sa act? Right to privacy? No, right to information, theek hai. So I can get any type of information. Next is it also government accountability. The government is accountable, the government is spending money. That money is from our taxes, income tax, okay? So you have full right to tell the government, discuss about what are the different conditions, what are the different jo aapke paas terms thi, according to that aapne koi tender pass kiya hai ya koi contract kiya hai, koi overbridge banaya hai, to uski information aapko milegi. Then transparency, kya koi usme corruption to nahi, कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ इसमें, ठीक है। तो ये सारे के सारे राइट ड्यू टू द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट टू प्राइवेसी। नेक्स्ट इज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑन 11th मई 2005, सो इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 12th अक्टूबर 2005 रिप्लेसिंग द एफओआई एक्ट ऑफ 2002। तो 2002 में एक एक्ट पास हुआ था Freedom of Information Act, that act was replaced by Right to Information Act that was passed on 11th May 2005 and came to enforce on 12th October. Next up, now there are some very very short terms, digital divide. If we compare the IT in India and in the western countries, you will find out that in India there is a big gap. The person who are using the public who are using the IT and the public, they are not using IT. In a village, in rural area, the people are not using IT, but in urban area we are using IT. So there is a big gap that is called digital divide. So India is a big example of digital divide. Digital divide is a term that refer to the gap between demographic and people that has access to modern information and communication technology. And it means there is a, in simple language we can say there is a gap between the person who are using the IT and the person who are not using the IT. So this is due to the urban and rural area. So in a urban area we have facilities of 4G or coming 5G, but in rural area there is a still they are using 3G. So this is the main difference. Now next is why a digital divide occurs. Difference between rural and urban area I have already discussed. Then there is difference between people who are of different races and income and educations. So due to the income, okay, the lesser income means lesser use of IT, higher income means more use of IT. Maybe religion, some religion hote hain wo kehte hain ki net aap internet use kar rahe ho, that is wrong, theek hai. To ye education ke karan bhi ho sakta hai. The area where education ratio is very high, they are using more IT. So these are then availability of internet. So naturally in urban area
availability is more as compared with the rural area. So these are the different terms that that are affecting on digital divide. Next is digital unity. This is opposite of digital divide. So there is no big gap between the person who are using IT and the persons who are not using IT. So society may equally distribution of IT. So this is called digital unity. So this is an equal opportunity for using IT. So these are the different terms of your cyber ethics chapter. So if you have any doubt, you can discuss with me. Better. But your most popular license is GPL. Maximum usage. Okay? In almost all the Android phones, this is used. And tomorrow onward, we will start the revision of from HTML. Okay? So HTML is starting. See, our pass with different tags, types of tags. We will start the revision. Yes, Raghav. Yes, Raghav. Sir, जब हम उसको redistribute करते हैं, तो हम कौन सा license देते हैं उसको? जिसको हमने दोबारा दिया बेटा, दिस इज डिपेंड ऑन द पर्सन हु इज डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर, वेदर ही वांट टू यूज GNU और GNU लेस सर GPL, डिपेंड ऑन द यूजर. आई हैव ऑलरेडी सेंड दिस दीज नोट्स विद थ्रू व्हाट्सएप. ठीक है, तो यू कैन यूज दिस. ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक 10 मिनट्स आर देयर, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट HTML. ओके, स्टूडेंट्स, full form of HTML, hypertext markup language. Why we use it? For designing the web page. For designing the web page. This is the only language for creating web page. Why I use the only language? Reason is there are other languages like JavaScript, VBScript, ASP, PHP. But the coding of these languages are embedded in HTML. HTML basic structure is here. It means आपको head tag, body tag, ये जितने tags हैं वो define करने ही पड़ते हैं, चाहे आप कोई भी language use करो. तो HTML is a basic language for creating a web page. Now extension of HTML web page file, that is .html or .html. Next is in HTML, we can type the coding in special software, and these softwares are called editors. Clear? These are called editors, and editors are of two types. One is called, yes, you can say it is a graphical. Okay, what you see, what you get, what you see, it means it is a graphical. It means no need to type the coding of your HTML. Only you can place the component. So component paste karne ka matlab hai, you are not using img tag then src like this. You just click on insert, click on picture, select the picture, picture will be inserted, code automatically generated. Clear? Name any softwares in which we can do this. Look at your front page. Best example of it. Next is Dreamweaver software. Here, no need to type the coding. Only we can graphically we can create the your web pages. Clear? Okay. But remember one thing: for good
वेब डेवलपमेंट यू मस्ट नो द कोडिंग. रीजन इज अगर आपको कोडिंग पता है, ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, डिफरेंट पेज इज हियर, ड्रीमवीवर इज हियर, आई विल शो दी सम मोर एडवांस सॉफ्टवेयर्स. दीज सॉफ्टवेयर्स आर फॉर प्रोफेशनल्स. सो इफ यू हैव ए गुड कमांड, आपको पता है कोडिंग क्या है, तो इन प्लेस ऑफ वेस्टिंग द टाइम इन कोडिंग यू कैन डेवलप द वेब पेजेस विदाउट गोइंग थ्रू द कोडिंग एंड ग्राफिकली वी कैन क्रिएट. बट एज ए बिगिनर यू मस्ट नो द कोडिंग. क्लियर? सो इन लोअर क्लासेस आपको आपके करिकुलम में था, सिलेबस में था, अल्फाबेट्स थे, ठीक है, डिजिट्स से, नंबर्स से, ठीक है, आपने पहले उसको लर्न किया. नाउ विदाउट रिमेम्बरिंग की ए के बाद क्या आता है, बी आता है, ठीक है, आपको सब कुछ पता है और यू आर मेकिंग द सेंटेंस, वर्ड्स बना रहे हो, सेंटेंस बना रहे हो, बिकॉज आपके पास बेसिक नॉलेज है. सो एच टी एम एल प्रोवाइड्स बेसिक इंफॉर्मेशन, द एच टी एम एल कोडिंग. सो अदरवाइज प्रेजेंट टाइम में लॉट ऑफ टूल्स आर देयर फॉर क्रिएटिंग द वेबसाइट्स. ठीक है, सो हियर आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल. Look at here. This will be new for you. In a browser, you will have to type Google. अभी नहीं करना. Google site, ठीक है, Google sites, it is a you can say one website development tool given by Google company. तो इसके ऊपर क्लिक कर देना. You can log in with Gmail ID. Okay, so here I am changing the ID. वो टोन बेटा पर पहले समझ लो, ठीक है, अदरवाइज आप यूज भी करोगे तो पता क्लियर ही नहीं होगा क्या है. आई क्लिक ऑन हियर, लुक एट हियर, ब्लैंक. दिस इज योर पर्सनल वेबसाइट विदाउट पोस्टिंग योर वेबसाइट. You can upload the website Google की URL के थ्रू आप इसको अपलोड कर रहे हो. देखो टाइटल पेज होता है वेब पेज में, ठीक है, here you can type the title like this is a computer applications, ठीक है. अब यहाँ पे here I can insert any image, ठीक है, I can upload from my computer or I can select it, ठीक है, I click on select. तो मैं गूगल में भी सर्च कर सकता हूँ, ठीक है, गूगल में मैंने सर्च कर दिया सपोज कंप्यूटर, किसी कंप्यूटर इमेज के बारे में, ठीक है, आई डबल क्लिक किया विदाउट कोडिंग इमेज इज इंसर्टेड. ये कोड शो नहीं कर रहा, अगर आप फ्रंट पेज यूज करते तो वहां कोडिंग नहीं आनी थी साथ में, ठीक है. I will show you the Dreamweaver and front page. कभी मैं install करके ना यहाँ पे आपको show भी करूँगा. Here you can insert any embedded means video, YouTube video. ठीक है? तो वो पूछेगा, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो वो कहेगा URL insert कर दो. URL जो आपका YouTube का होगा. Clear ना कैसे? ठीक है, उसको आप copy करके paste कर दो. अब आपके पास pages होते हैं ना, website में pages होते हैं. तो यहाँ पे I click on my home page, this is my home page. I click on here, ये plus symbol. ये देखो नीचे की तरफ plus symbol आ रहा होगा. Plus symbol हमने क्लिक किया, तो पूछ रहा कि next page का name क्या है. I used your word hardware. Done. ठीक है. Now here is a hardware page.
Now here I can insert pictures and like this, ठीक है? तो I click on again plus page, there is a software. तो जैसे आपके वो ऊपर की तरफ देखो, बन रहे हैं आपके पास. आप इसका background color में image लगा सकते हो header में. You can change the you can insert solid color. Here you can apply themes. ठीक है? तो आपके पास जो वेबसाइट बन जाएगी, you will have to insert the contents. मैंने contents insert नहीं किए, यहाँ पे space है नीचे की तरफ. You can type, you can insert here text box, text insert कर सकते हो, image insert कर सकते हो, everything you can insert table, जो भी करना कर लो. ठीक है? Now look at here, इधर देखो. I click on publish. इधर देख लो बेटा. ठीक है? वो कह रहा है कि आपका URL का name क्या रखना है. ठीक है? So I type here computer. देखो बेटा मेरे already distribute हुआ है, तो computer application रख देते हैं इसको. ये देखो बेटा URL ये भी already किसी को मिला हुआ है. computer 123. इसका मतलब कितने ज्यादा यूज हो रहा होगा. ठीक है? दैट्स व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम हियर. इन नेक्स्ट पीरियड पर, ठीक है, टुमारो आई विल कंटिन्यू विद दिस. ओके बेटा, मेक अ लाइन, टाइम इज ओवर. Tomorrow I will continue with this, beta. Okay, close. I am closing the meeting. Take care. Bye, beta.